आज हम अपने दुकान का लिट्टी चोखा का रेसिपी शेयर करना चाहते हैं, जो आपको चोखा का रेसिपी सारा सीक्रेट रहेगा। और इस चोखा का रेसिपी आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, जो ठंड के मौसम में बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी और बहुत बिहारी स्टाइल में हम बनाएंगे। गर्मा गर्म ठंड का मौसम में एक बार जरूर बना ट्राई करें। एक बार आप बना के खाइएगा तो आप बार बार चाहेंगे बना के खाएं, और बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट और कम सामग्री में आपको बताएंगे कैसे बनाना है। चलिए इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले आप 200 ग्राम हम प्याज लिए हैं, बारीक कटा हुआ, देख सकते हैं इस तरह से बारीक काट लें और एक बाउल में डाल दें। सबसे पहले हम प्याज को डाल दिए। प्याज डालने के बाद इसी तरह से हम लहसुन बारीक कटा हुआ है इस तरह से काट लिए हैं, मिर्चा बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ सारा हम डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मंगरेला, जवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सरसों तेल, हाफ नींबू डालेंगे हम, हाफ नींबू खटाई के लिए। आप इसमें अचार भी डाल सकते हैं, अचार ना हो तो अमचूर भी डाल सकते हैं, या तो नींबू पर्सनली आप डाल सकते हैं। इससे आपका जो मसाला, जो लिट्टी का मसाला जो है, आपका लजीज बनेगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और इस बात को ध्यान देना है, बीज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले सत्तू, लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम हम सत्तू डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे जो हमारा जो मसाला बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए और मिक्सचर हो जाए। और मिक्स होने के बाद आपका मसाला बिल्कुल सत्तू जो है गीला हो जाएगा, देख सकते हैं इसी तरह से। पानी बिल्कुल ना डालें, बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स करना है रगड़ के, जो प्याज जो है पानी बिल्कुल छोड़ देगा और आपका मसाला बिल्कुल भिंजा भी सूखा से, देखते हैं इस तरह से भींगा हो गया है हल्का। हमारा मसाला लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आटा गूंदेंगे, हमारा मसाला तैयार हो चुका है, देख सकते हैं लगभग 1 kg आटा है। 1 kg आटा में हम डालेंगे सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आप जमाइन भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे मोम, खस्ता के लिए मोम डालेंगे, लगभग 2 चम्मच मोम हम डालेंगे इसमें, इस चम्मच से 2 चम्मच मोम खस्ता के लिए बिल्कुल ज़रूरी है मोम डालना। अब हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार सारा पानी बिल्कुल ना डालें, कब आटा गीला भी हो सकता है, ज़रूरत अनुसार आप पानी डालें। कोई भी आप घर में कोई चीज़ भी रोटी भी बनाते हैं तो आप एक बार सारा पानी नहीं डालें, आप एक बार डालें उसको मिक्स कर लें, फिर पानी ज़रूरत पड़े फिर डालें। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और एक बार फिर नहीं डालेंगे हम, फिर ज़रूरत पड़ेगा फिर डालेंगे, हल्का पानी डालें फिर इसको मिक्स कर लेंगे। आटा आप गूंदे जिस तरह से आप घर में पूड़ी बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, उसी तरह से आटा गूंदें, टाइट नहीं गूंदें, भरने में आपको आसानी हो। टाइट गूंदने से क्या होगा, आपका लिट्टी फट जाएगा, आसानी से भरा जाए, स्टफ हो जाए, उस अनुसार से आप कचौरी पूरी की तरह आटा गूंद लें, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट। आटा कंप्लीट हो चुका है, गूंदा चुका है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल, कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे तरह से जो फूल जाए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे स्टफ करना, किस तरह से स्टफ करना है। ठंड का मौसम में ऐसे भी छोड़ सकते हैं, गर्मी का मौसम में इसलिए भिंजा हुआ कपड़ा ढकना ज़रूरी होता है कि आटा सूख जाता है, ऊपर सूख जाता है तो आपका आटा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इसलिए आप ठंड का मौसम में कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या ढक के भिंजा हुआ कपड़ा से ढक के छोड़ सकते हैं, या सूखा भी कपड़ा से ढक सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। 10 मिनट हो चुका है, इसको अब हम गोली बना लेते हैं। कट करने के बाद इसको हम गोली बना लेंगे, कट इसलिए करते हैं गोली आसानी से हमारा बन जाता है। इस तरह से उठा के आप इसको हम इस तरह से लंबा कर लेंगे, लंबा करने के बाद आपको जिस साइज में बनाना छोटा बड़ा आप गोली काट सकते हैं।
इस तरह से गोली काट के आप तैयार कर लें। देख सकते हैं हम सारा गोली काट चुके हैं। अब हम लिट्टी भरेंगे, स्टफ करेंगे। आपको दिखाते हैं किस तरह से स्टफ करना है। इस तरह से एक गोली लें, इस तरह से आप मलार दे दें, इस तरह से हॉल करें बीच में। अब जितना आप छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं इसमें तत्व अपने अनुसार आप डाल लें। हम इस तरह से गोल करके, और एक बात को ध्यान दें, हल्के हाथ से दबाएं मसाले को और इस तरह से आप तो पैक करें। इससे क्या होगा, आपका लिट्टी बिल्कुल नहीं खुलेगा और आसानी से भरा भी जाएगा। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से सारा आपको भर लेना है। तेल हम चढ़ा चुके हैं, गुनगुना ताम देंगे, पूरा हिट ताम नहीं देना है। देख सकते हैं हमारा लिट्टी कंप्लीट हो चुका है, भरा चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने का तरीका आपको बता देते हैं। एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लें, देख सकते हैं लगभग एक से एक लीटर लगभग, कि आपका लिट्टी अच्छे तरह से फ्राई हो जाए। और ताव बिल्कुल नॉर्मल में गुनगुना ताव छोड़ना है। ताव गर्म हो चुका है, देख सकते हैं इस तरह से गुनगुना ताव में छोड़ देना है, कि आपको डालते के बाद थोड़ा बुलबुला छोड़े, खोलने नहीं लगे। एकदम नॉर्मल ताव, मीठा ताव छोड़ना है। आप ज़रूरत अनुसार जितना इसमें आ जाए कढ़ाई में उसी अनुसार से आप डाल के फ्राई कर लें। बिल्कुल तेज में न डालें, गुनगुने ताव डालें। इससे कि क्या होगा, आपका लिट्टी अच्छे तरह से पकेगा, सीझेगा अच्छे तरह से। सारा जो गुनगुना, जब सारा आपका लिट्टी ऊपर हो जाएगा तब आप ताव को बढ़ाएं, तब बादामी कलर करें, भूंजें। पहले इसको धीमा ताव में ही सेकना है। इससे क्या होगा, आपका लिट्टी बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा। हमारा लिट्टी बिल्कुल ऊपर हिल चुका है। अब हम ताव को बढ़ा देंगे। ताव को बढ़ाने के बाद हम इसको ब्राउन कर लेंगे, अच्छे तरह से हमारा लिट्टी पक जाएगा। जब तक लिट्टी जो है ऊपर ना आए ताव आप बिल्कुल ना बढ़ाएं। इससे क्या होगा, आपका लिट्टी कच्चा रह जाएगा। देख सकते हैं हमारा लिट्टी बिल्कुल हिला हुआ तेल में। अब हम ताव को बढ़ा के इसको बादामी कर लेंगे, अच्छे तरह से हमारा लिट्टी सिक जाएगा। इसको चलाते रहना है, ब्राउन अच्छे तरह से करना है, इस तरह से। ये नहीं कि एक तरफ लाल हो जाए, एक तरफ उजला रहे, आपको चारों तरफ बीच में करना है, लाल करना बादामी कलर, चला चला के बीच बीच में चलाते रहना है। ताव बढ़ाने के बाद बीच बीच में चलाते रहना है। देख सकते हैं हमारा लिट्टी बादामी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे, दो मिनट और पकाने के बाद, अच्छे से बादामी होने के बाद थोड़ा सा हम लास्ट टाइम बिल्कुल चलाते रहना। इससे क्या होगा कि आपका तेल पूरा हीट रहता है। अब छोड़ने के बाद एक तरफ पूरा लाल हो जाएगा, एक तरफ कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपको लास्ट टाइम बिल्कुल चलाना है। देख सकते हैं हमारा लिट्टी हो चुका है बिल्कुल बादामी। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल बादामी कलर आ जाएगा। हमारा लिट्टी तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे लाजवाब चोखा, बिहारी स्टाइल में। चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बैगन लिए हैं, बैगन को अच्छे से धो लिए हैं। इसको इस तरह से चीर लेना है, चीर के अच्छे से देख लेना कि बैगन आपका डैमेज तो नहीं, काना तो नहीं है, काना तो नहीं है। इस तरह से फाड़ के देख लेना चारों तरफ। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे एक लहसुन, एक मिर्चाई का टुकड़ा, समूचा मिर्चा, इस तरह से इसके साथ में पकाएंगे। इसी तरह से मिर्चा डाल देना है एक एक पीस, और दो दो पीस लहसुन का कली डाल देना है, छिला हुआ लहसुन इसमें डाल देना है। इसको अच्छे से आप भट्टी पे पका लें इस तरह से करके, साथ ही साथ टमाटर भी दोनों साइड धर दें, अच्छे से आप गैस में पका लें। बिल्कुल घुला के पकाना है इसको, अच्छे तरह से आपको पका लेना है, बिल्कुल लाल करके सिझा के, कच्चा नहीं। और अच्छे तरह से आपका चोखा में मिल जाए, और टमाटर को अच्छे तरह से भी पका लेना है बिल्कुल। हाँ, टमाटर एक रोक चुका है, इसको निकाल लेंगे हम अच्छे तरह से। अब हम बैगन को इसी तरह से पका लेना, पूरा लाल सिझा के। इस टमाटर को भी हम अच्छे से पका लेंगे, सिझा लेंगे इसी तरह से, चारों तरफ पलट के पका लेना। देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ लाल हो चुका है, पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडाने तक
इंतज़ार करते हैं, ठंडा आने के बाद हम इसका सारा छिलका उतारेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से छिलका उतारना है। अब हम टमाटर को छीलेंगे, टमाटर को इससे पानी में डाल लेंगे और अच्छे तरह से छिलका देखिए इस तरह से उतार लेना है सारा, बिल्कुल अच्छे तरह से छिलका उतार के इस कटोरी में डाल दें। एक दो छिलका रहे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब देखिए ये भी हमारा टमाटर बैंगन को पानी में डुबा लेंगे हल्का इस तरह से कि आसानी से छिलका उतर जाए। अब हम छिलका को इस तरह से उतार लेंगे। बढ़िया से छिलका को उतारना है। बैंगन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैंगन को अच्छे तरह से पहले चीर के देख ले कोई कीड़ा उड़ा तो नहीं है। ठीक है, बैंगन बिल्कुल अच्छा है। इसी तरह से आपको चेक कर लेना है, बिल्कुल अच्छा बैंगन है। अब हम इसको चूरेंगे और आलू भी छील के हम कुकर में हल्का पानी डाल के कि लाल आलू हमारा लाल हो जाए, पूरा पानी से न सिझाना है, इसको भी हम डाल देंगे। साथ ही साथ बैंगन को हम देख के बढ़िया चेक करके डालेंगे कि बैंगन अक्सर काना निकल जाता है तो सारा मेहनत और आपका बेकार हो जाएगा, गला व सरा व निकल जाए सारा आपका मेहनत बेकार हो जाता है। इसलिए पकाने के बाद भी देखना ज़रूरी है। और इसको हम डंठी को अलग कर लिए हैं, बैंगन को अच्छी तरह से हम देख लेते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। साथ ही साथ इसको भी डाल के बैंगन को टमाटर आलू सारा एक साथ डाल दें। डालने के बाद आप इसको अच्छे से हम इसको चूर कर लेंगे, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। साथ ही साथ जो मिर्चा टमाटर नींबू है सारा मिर्चा टमाटर आलू सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी तरह से चूर लेना है, बिल्कुल पूरा पेस्ट बना लेना है। इस तरह से चोखा बना खाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिहार का चोखा किस लिए फेमस है, किस कारण से। पहला तो आप हम तो गैस में पकाए, आप लकड़ी में कोयला में भी पका सकते हैं, नए सुविधा हो तो आप गैस में भी पका सकते हैं। पका हुआ सेका हुआ टमाटर और बैंगन का बात ही कुछ और है, का जो सोनापन मिलेगा खाने में। अक्सर आप देखते हैं गैस में कुकर में देके उबाल के बना लेते हैं चोखा भून के तेल उल डाल के, इसी तरह से पेस्ट करके आप बनाइए और एक बार खा के ज़रूर ट्राई करें। अभी इसको इस पहले मिक्स कर लेते हैं, इसमें मसाला डालेंगे हम, दिखाएंगे आपको क्या क्या डालना है। नहीं, आपका चोखा कंप्लीट नहीं हो गया, इसको पहले हम पेस्ट बना लेते हैं। बिल्कुल ये हमारा पेस्ट बन चुका है, टमाटर आलू बैंगन। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले बारीक प्याज कटा हुआ एक बॉल, लहसुन बारीक कटा हुआ 4 से 5 पीस, कली का अदरक कटा हुआ बारीक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और धनिया पत्ता। तो सारा डालने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे साथ ही साथ तेल, सरसों का तेल लगभग 50 ग्राम सरसों तेल। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बिहारी चोखा तैयार हो चुका है। इस तरह से मिक्स करके लाजवाब लिट्टी चोखा का आनंद लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा लिट्टी चोखा आपको कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।